हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, एक और बहुत इंटरेस्टिंग सी मूवी आने वाली है जिसके अंदर हम सिर्फ अपराइजिंग ऑफ अ स्पोर्ट्स पर्सन नहीं देखेंगे, बट वी विल ऑल्सो सी अ स्पोर्ट्स पर्सन फाइटिंग फॉर देयर ओन इंडिविजुअलिटी। तो जब आप इसका ट्रेलर देखेंगे जिसका नाम है रश्मि रॉकेट, तो आपको इसकी कहानी बहुत हद तक आपको स्प्रिंटर दूती चंद की याद दिलाएगी, जिन्होंने दो सिल्वर मेडल जीते थे आई थिंक 2018 के एशियन गेम्स के अंदर। बट 2014 के अंदर उससे पहले, जीतने से पहले उनको एक टेस्ट के दौरान जो है थोड़ा बैन सा कर दिया गया था। कहा गया था कि उनकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेस्टोस्टेरॉन्स हैं और उसकी वजह से उनको बैन कर दिया गया था, विच इज़ अ वेरी इम्प्रॉपर वे ऑफ, वेरी प्रिमिटिव वे ऑफ कंडक्टिंग अ टेस्ट एंड मे बी जजिंग द जेंडर ऑफ अ पर्सन, मेल और फीमेल। ये बहुत ही अजीब तरीके का तरीका है जो फॉलो हो रहा है इतने सालों से। तो इसी तरीके का मूवी होगा। इसके अंदर हम एक स्ट्रगल देखेंगे एक एथलीट की, जिसके अंदर जज्बा तो बहुत है और वो देश के लिए कुछ कर भी गुजरना चाहती है, जिसके अंदर हम तापसी पन्नू को ये रोल करते हुए निभाते हुए देखेंगे। बट क्या देश उसके साथ खड़ा रहता है कि नहीं खड़ा रहता है, क्या सिस्टम उसके साथ खड़ा रहता है कि नहीं रहता है, क्या लोग उसके साथ खड़े रहते हैं कि नहीं रहते हैं, वो फाइट किस तरीके से करती है, यही सब चीज़ें देखने वाली होंगी। और इसके अंदर जो उनका केस लड़ रहे हैं अभिषेक बैनर्जी, अगेन बेहतरीन एक्टर हैं वो, उनके लॉयर बने हुए हैं, तो वो क्या होता है इसके अंदर, अगर आपको कुछ सर्च करना है गूगल के अंदर जाके, पहले ही जानने की इतनी उत्सुकता हो रही है, तो आप जाके दूती चंद का केस पढ़ लेना, शायद ये कहानी उसी डायरेक्शन में जाएगी। हालांकि मेकर्स ने कहा तो नहीं है कि ये उनकी कहानी है या उस कहानी से प्रेरित है, ओपनिंग और एंडिंग में भी कहीं भी दूती चंद का नाम तो आता नहीं है, बट कहानी कुछ हद तक उस तरीके की है। ऐसी कहानियाँ देखो जो यूनिक होती हैं वो हमें सुननी भी चाहिए, हमें पता भी होनी चाहिए, बट एक और चीज़ भी ज़रूरी है क्योंकि ये सिनेमा है, थोड़ा फिक्शन भी होगा इसके अंदर, और हमें ये भी बात करनी ज़रूरी है कि ये ट्रेलर कितना अच्छा था। देखो दोस्तों, मेरा मानना ये है कि ट्रेलर के अंदर जिस तरीके की प्रिपरेशन दिखाई जा रही है या वो जर्नी जो होती है स्पोर्ट्स पर्सन बनने की, हमने पहले भी देखी हुई है, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं देखी हुई है। क्या तापसी पन्नू बेस्ट फिट है? मैं बोलूँगा कि फ्रॉम एन एक्टिंग पर्सपेक्टिव शी इज़ अ परफेक्ट फिट, बिकॉज आफ्टर कंगना रनौत जो वेरिएशन है इसके अंदर, कभी चुलबुली लड़की बन गए, कभी बहुत ही हार्ड हिटिंग डायलॉग्स डिलीवर करने लग गए, कभी चंडी का अवतार ले लिया, ये मतलब काफ़ी वेरिएशन है उनकी एक्टिंग में, तो विच इज़ फाइन। बट हाउ शी इज़ लुकिंग लाइक अ स्पोर्ट्स पर्सन, मेरे को थोड़े से डाउट्स हैं इसको लेके, बिकॉज हर बॉडी लैंग्वेज एंड हर बॉडी स्ट्रक्चर और स्केलेटन का स्ट्रक्चर थोड़ा सा मुझे बिल्कुल अपराइट तो नहीं लगा। थोड़े शोल्डर जिस तरीके के आगे स्लाउच कर रहे हैं, जबकि आप किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को देख लीजिए, उनके कंधे बहुत ज़्यादा स्ट्रेट होते हैं, अपराइट बॉडी पोजिशन होती है, थोड़ी स्ट्रेंथ लगती है, इसके अंदर वो थोड़ी सी वीक लग रही हैं पता नहीं क्यों। काफ़ी सारे जो उनके फैंस हैं वो फिर से डिसलाइक करने लग जाएंगे वीडियो। देखो जो चीज़ सच है ना उसके ऊपर थोड़ा सा गहराई में बात कर लेनी चाहिए, सच के तरीके से ही कर लेनी चाहिए। जैसे मैंने अप्रिशिएट करा कि उनको एक्टिंग बहुत अच्छी करती हैं, बेहतरीन एक्ट्रेस हैं, शी लुक्स गुड, बट अगर रोल के हिसाब से अगर हमें एक्टिंग डिलीवर करनी है जहाँ पर वो अपनी विनिंग स्पिरिट दिखाएं, दोबारा से केस लड़ें, दुनिया का सामना करें और एक बारी फिर से विनर आएं, ये सब चीज़ें वो बहुत ब्रिलियंटली करने वाली है, वो दिख रहा है ट्रेलर के अंदर भी। बट क्या वो स्पोर्ट्स पर्सन भागती हुई लग रही हैं, वो मेरे को थोड़ा सा डाउट है। तो इसमें कोई बुरा मनाने वाली बात नहीं है, मतलब अमिताभ बच्चन भी हर रोल के लिए फिट नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ कि वो फिट हैं, और अगर हम बॉडी लैंग्वेज की बात करें, उनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें, तो मे बी शायद उनकी एथलेटिक टाइप की बॉडी नहीं लग रही है। ठीक है, तो मेरी तरफ से दोस्तों इस ट्रेलर को और इस अटेम्प्ट को ए मिलेगा, ए प्लस ही देना चाहिए राधर, क्योंकि ये स्टोरीज हमें पता होनी चाहिए। मैंने बस थोड़ा सा क्रिटिकल होने की कोशिश यहाँ पर इसीलिए करी है क्योंकि देखो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम हर पहलू देखें, तो ऐसी स्टोरीज़ हमें पता होनी चाहिए, हमें इंस्पिरेशन मिलती है उससे। बट सिनेमा के पर्सपेक्टिव से भी अगर छोटा मोटा 19-20 अगर कोई नुक्स है तो वो भी बताना हमारा जिम्मेवारी है एज सेंसिबल रिव्यूअर्स। तो मिलते हैं एक और रिव्यू और एक और अपडेट के साथ। नए आए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।